अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? काफ़ी देर के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो और कुछ मसरूफियत की वजह से ग्रुप में एक्टिव भी नहीं था, लेकिन मेरे पास मैसेजेस वगैरह काफ़ी आते हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल था कि रियलिस्टिक AI इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, तो AI के ज़रिए हमें 3D इमेजेस वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं वो बता दें, थोड़ा सा गाइड कर दें। तो मैंने ग्रुप में इसका तरीकाकार शेयर किया था, लेकिन मैं सोचा कि एक वीडियो आपके सामने बना देता हूँ ताकि आप बाद में कोई सवाल ना पूछें। इसके लिए मैंने सोचा कि आपको एक रियल टाइम पर आपके सामने इमेजेस AI इमेजेस क्रिएट करके बता देता हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ। उसके अलावा आप के साथ मैं प्रॉम्प्ट वगैरह भी शेयर कर दूंगा, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तरीकाकार बताऊंगा और आपके सामने एक दो प्रॉम्प्ट क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम दो तरीके हैं इसके, ठीक है। आप गूगल में इधर न्यू टैब खोलेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपने लिखना है www.bing.com/images/create। ये लिंक है, आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आपके साथ मैं ये शेयर भी कर दूंगा लिंक, ठीक है, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अगर आपने क्रोम में ओपन करना है तो ये देखें लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट देना है, यहाँ पर डिस्क्राइब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये ज्वाइन एंड क्रिएट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप पहले इसको लॉगिन करेंगे, अपनी माइक्रोसॉफ्ट ईमेल जो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ ईमेल अटैच है वो ईमेल लगाकर आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हम माइक्रोसॉफ्ट के ही ब्राउज़र पर जाते हैं, ठीक है, ये उनका ये ब्राउज़र है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। इसमें भी हम वही लिंक लिखेंगे, ठीक है, www.bing.com/images/create। तो ये लिंक है, ठीक है, इसको ओपन करना है। ये मैं इसलिए माइक्रोसॉफ्ट पर जाकर बना रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट इस पर अटैच है, ठीक है, लॉगिन पहले से हुआ है, लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि आपने पहले लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो ये ऐसा मंजर आपके सामने नज़र आएगा, ठीक है। तो इसमें आपने यहाँ पर जो ये सर्च बार के नीचे ये बार नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ प्रॉम्प्ट शेयर कर देता हूँ। ये मैंने तकरीबन तीन प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं, ये आपके सामने एक एक करके ये प्रॉम्प्ट आपके सामने मैं लिखता हूँ। ये सबसे पहले पहला लिख देता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आपने आकर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया है कि अ 3D लोगो, अ यंग लैड, डॉक्टर नोज मास्किंग विद द नेम रिटन, डॉक्टर नसीर ऑन अ डार्क वॉल विद द पिक्चर ऑफ अ डॉक्टर वियरिंग डॉक्टर ड्रेस। ये मैंने एक सिंपल सी छोटी सी प्रॉम्प्ट दी है, ठीक है। उसमें मैंने ये बताया कि एक डॉक्टर, यंग डॉक्टर नज़र आए, उसके ऊपर जो नाम लिखा हो मास्क के ऊपर तो उसका नाम डॉक्टर नसीर हो, ठीक है। तो ये मैंने छोटी सी प्रॉम्प्ट लिखी है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्रिएट का ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए आपके सामने ये क्रिएट कर देगा, ये क्रिएटिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये तकरीबन। ये देखिए ये आपके सामने क्रिएट हो चुकी है, ये देखिए डॉक्टर नसीर लिखा रहा है और ये देखिए चार चार इमेजेस हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने क्रिएट कर लेनी है। यहाँ से आपने सेव लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से सेविंग, ये देखें ये एक सेव हो गई है इमेज, और दूसरी यहाँ से करनी है, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके सामने इमेज सेव भी हो चुकी हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर में। तो ये तो होगी एक प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो हम दूसरी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, दूसरी ये थी कि ये एक दूसरी प्रॉम्प्ट है, ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं। इसमें तकरीबन
यंग जर्नलिस्ट नेम विद रिटर्न मोहम्मद नसीर आ रेडियो स्टेशन विद द पिक्चर ऑफ नेम मोहम्मद नसीर वेयरिंग ऑफिशियल ड्रेस। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं इसको। ये क्रिएटिंग हो रही है, ये देखें आपके सामने। ऐसे ही आपने अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट को चेंज कर लेना है, सिर्फ ये एक तरीकाकार आपको मैंने बताया है। ठीक है, आपने अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने चेंज कर लेना है ये। ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट अपना चेंज कर लेना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप किसी भी किस्म की इमेजेस, AI इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री है। ये देखें, ये आपके सामने 3 से 4 तकरीबन इमेजेस फिर क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ से आपने सेव कर लेना है। ठीक है, जो आपको चाहिए होगी अच्छी लगे। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा प्रॉम्प्ट जो है वो मैं लगा कर देखता हूँ। तो हम इधर से ये आधी प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कॉपी करते हैं इसको, उसमें से आधी प्रॉम्प्ट हमने ले ली है और उसको लिख कर देखते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं। ये जो जो मैंने प्रॉम्प्ट दिए हैं तो ये भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसके ज़रिए आप आसानी के साथ अपनी इमेजेस वगैरह AI के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ज़बरदस्त, वेरी बेहतरीन तरीके से ये इसने क्रिएट करके दे दी है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। ठीक है, तो आप आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ, ये आपको सैंपल भी शेयर कर दूंगा। और ये फेसबुक का हमारा नया ग्रुप है, पुराना आपको पता है कि पहले हमारा फेसबुक ने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये नया ग्रुप बनाया है, तो इसको ज्वाइन कर लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, और व्हाट्सएप वगैरह का, चैनल वगैरह का भी लिंक दे देता हूँ आपको। तो ठीक है, फिर आप भी अपने AI के ज़रिए अपनी 3D इमेजेस वगैरह क्रिएट करें। ओके, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।